महंगाई की गारंटी, कांग्रेस मतलब झूठे वादों की गारंटी, कांग्रेस मतलब किसानों के साथ छलावा की गारंटी, कांग्रेस मतलब महिलाओं के साथ उत्पीड़न की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब तुष्टिकरण की गारंटी। और अगर कांग्रेस पार्टी फिर से, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता उन्हें मौका देगी, तो जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कोटा को स्टूडेंट्स और मोदी जी के स्टार्टअप का हब बनाना है, पीएफआई कार्डला नहीं बनाना है। आपके कुछ कर आया है वो ये देवेंद्र आर्य जी का पत्र है अगस्त 2023 का, और इस पत्र में अगर आप देखें आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने साफ साफ लिखा है, हुएवर इज ओपनिंग द बॉक्सेस, जो भी ये बॉक्स को खुलवाएगा विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक हैमर एंड हुएवर हैज गिवन ऑर्डर ऑफ ओपनिंग द बॉक्स, जिसने भी आदेश दिया है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, वही जिम्मेदार होगा इस घंटे के लिए और इस पूरी प्रक्रिया के लिए। ये मेरी गारंटी नहीं है, ये गारंटी लेने को तैयार नहीं थे, फिर भी उनके ऊपर दबाव डाला गया। और देवेंद्र आर्य जी के सुपुत्र ने बताया है कि किस प्रकार से उनको कहा गया, चुनाव की तिथि आ रही है, घंटे को निकाल दो वरना, और वरना का क्या मतलब था आपने स्वयं सुना है देवेंद्र आर्य जी से। इसीलिए मेरा आरोप, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यह हादसा नहीं है, ये सोची समझी हत्या की गई है, और ये रिवर फ्रंट ना रहकर ये मौत का फ्रंट बन गया है, ये डेथ का फ्रंट बन गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी 3 दिसंबर को, तो इसमें SIT जांच तो की ही जाएगी, परंतु आज हमारा सवाल है, आज सवाल है प्रियंका वाड्रा जी से, आज सवाल है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया? इनका पुराना इतिहास जो रहा है आप तो इससे वाकिफ है, परिचित है, ऐसी कौन सी डायरियां हैं इनके पास? एक लाल डायरी के बारे में तो हम जानते ही हैं, ये काली पीली नीली हरी ऐसी भी डायरियां घूम रही है क्या शांति धारीवाल जी के पास? कि ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया जिस पर सीधा सीधा किसी के पिता के हत्या का आरोप लग रहा है? इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी असहज महसूस कर रही है कि वो प्रचार प्रसार करने भी नहीं आना चाहती, परंतु टिकट क्यों दिया? कोटा की पहचान इस भ्रष्टाचार से तो हो ही रही है शांति धारीवाल जी की वजह से, परंतु कोटा की एक और पहचान जो स्टूडेंट्स की सिटी मानी जाती थी, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पहचान कानून अव्यवस्था से होने लगी, और वो तब होने लगी जब कोटा के ही एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के बलात्कार को जायज ठहराते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहां पर बला